दिस इज वीरेंद्र मेहता फ्रॉम मेमोरी जीनियस चैनल, वेलकम यू ऑल। आज हम हैं स्वामी जी के साथ, स्वामी शांतानंद जी के साथ, जो कि आर्य समाज से हैं। और आज हम थोड़ा सा ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे स्वामी जी के साथ। और मैं एक्चुअली क्वेश्चन करूंगा और डिस्कस भी करूंगा स्वामी जी के साथ, और मैं समझता हूं कि ये डिस्कशन हजारों युवाओं के काम आएगी, उनकी प्रोग्रेस में ये हेल्पफुल जो है वो प्रूव हो सकती है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल आज का जो यूथ है हमारे इंडिया का, हम चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस करे, तो क्या ऐसे नियम है या क्या ऐसी बातें हैं, अगर वो फॉलो करती है यूथ तो उनकी जो उन्नति है वो शीघ्र होगी, तो थोड़ा सा आप प्लीज गाइड कर। देखिए, मनुष्य की उन्नति में मुख्य कारण है स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य हो तो हर प्रकार की उन्नति प्रगति वो कर सकता है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए तीन आधार कहा गया है, उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन उत्तम स्वास्थ्य के स्तंभ हैं, या ये कहना चाहिए ये जीवन के ही स्तंभ हैं, सुखमय जीवन के, दीर्घ जीवन के, श्रेष्ठ जीवन के, ये तीन आधार हैं। तो एक तो जो ब्रह्मचर्य का हम पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा खान पान बढ़िया होना चाहिए। तो सबसे पहले कहा आहार, जैसा आहार वैसा विचार। तामसिक अन्न खाएंगे तामसिक मन बनेगा, फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। और जो ब्रह्मचर्य है, ये भी ध्यान देने की बात है खास करके युवाओं के लिए, कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। जो ब्रह्मचर्य है वो आयु को बढ़ाने वाला है। और मरणम बिंदु पातनम, शास्त्रों में बहुत सुंदर आया कि काक चेष्टा बको ध्यान। हाँ जी, श्रान छिद्रा नथे विचार। तो एक्चुअली निद्रा की अगर हम बात करें तो आज की जो हमारे युवा स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि नींद कितनी लें, किस हिसाब से अपना जो श्लोक कहा ना वो मैं पूरा करता हूँ, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो उसमें निद्रा की बात आई, स्वान निद्रा, अर्थात वो नींद ऐसी हो कि जल्दी उठ जाए, वो जल्दी उठ जाए, वो लेट में नहीं थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली रात को कोशिश करते हैं कॉफी लेके, ये मैं कह रहा हूँ स्टडी करें, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जो आज की विद्यार्थी है, युवा पीढ़ी है, उसको चाहिए कि जो लेट में सोते हैं ना जी, ये कितना हानिकारक। देखिए, रात को 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय वो सोने का होता है, और उस समय अगर व्यक्ति 3 घंटा पढ़ रहा है उस दौरान, और अगर दिन में 1 घंटा पढ़ता है वो बराबर होता है, बराबर होता है। रात का 3 घंटे का अध्ययन और दिन का 1 घंटे का अध्ययन, इसलिए रात को सोना चाहिए, दिन को पढ़ना चाहिए। और जो रात में लेट में सोते हैं जी, फिर सुबह 8-9 बजे उठते हैं, वो ब्रह्मचर्य का नाश का कारण बनता है। आज इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, एक्चुअली सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो यूथ जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही। तो स्वामी जी, इसमें जो हमारे युवा हैं वो बेसिकली क्या कर सकते हैं इन चीजों से बचे रहे और अपनी जो उन्नति है, एकेडमिक प्रोग्रेस है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, उसको कर सकें। देखिए, अगर वो इन समाज के दुर्व्यसनों से बचना चाहते हैं या जो उनकी बुराई है उससे बचना चाहते हैं और आंतरिक उन्नति करना चाहते हैं, पर्सनलिटी डेवलपमेंट ये चाहते हैं, तो करें योग, ध्यान, जिसको आजकल बोलते हैं मेडिटेशन बोलते हैं, तो उसमें ओंकार ध्यान मुख्य होता है। और ओंकार ध्यान, ओम का ध्यान करें और गायत्री जप का अनुष्ठान करें, कम से कम अगर वो 21 बार भी गायत्री जप करेंगे उनकी बुद्धि सही चलेगी, वो दुर्गुण से, दुर्व्यसन से बचे रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन भी कर पाएंगे। Obviously, हम अपने वीडियोस में बताते भी हैं कि 21 टाइम्स आप जो गायत्री मंत्र है उसका जप करें, जिससे आपका स्वास्थ्य और आपका जो मेंटल इंटेलेक्ट है वो शार्प होगा। और आंतरिक है ना जो शक्ति है, एनर्जी है, पावर है, वो जब ध्यान से बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, क्योंकि हताश निराश नहीं होता है। तो दो काम जरूर करें सुबह शाम, एक तो गायत्री जप करें और ओम का जप करें और थोड़ा प्राणायाम करें, और हो सके तो सप्ताह में एक बार यज्ञ करें, और रोज यज्ञ करें तो अति उत्तम है, सुने पे सुहागा है वो। तो योग, यज्ञ और प्राणायाम, ध्यान, ये आयु को बढ़ाने वाले हैं। और बड़ों का सम्मान, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो उनकी आयु बढ़ेगी और उनकी हर प्रकार से उन्नति प्रगति होगी। और एक बात है, कुसंग से दूर रहें, शराब है,
बीड़ी है, सिगरेट है, जो मैक्सिमम जो युवा है आज की समस्या यही से दूर है, बस नशे के अंदर बहुत ज्यादा इंक्लाइन है। ये नशा बहुत हानिकारक है, चाहे वो ड्रिंकिंग है। हाँ जी, हाँ जी, सो वेरी प्रॉब्लम। ये आयु नाशक भी है और स्वास्थ्य नाशक है और रोग कारक है। तो नशा पान से बचे, व्यसन से बचे, सत्संगति करें, अच्छे लोगों का संग करें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, उनका अनुकरण करें, तो उनका जीवन बढ़िया बनेगा, उनका भविष्य उज्जवल बनेगा और वो दीर्घायु को प्राप्त करें। तो जो मैरिड कपल्स हैं, क्या आफ्टर मैरिज भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? हाँ जी, तो उनके लिए ऐसा डायरेक्शन है, उनके लिए ऐसा विधान है, वो संतान उत्पत्ति करने के लिए संपर्क करें, ऋतुगामी हुए, ये शास्त्र का वचन है, ऋतुगामी हुए, तो महीने में एक बार वो ऋतुगामी का नियम है, तो अगर जो ऋतुगामी गृहस्थ है महीने में एक बार संपर्क करता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है, वो भी संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से करे तो अति उत्तम है। और अगर एक बार से ज्यादा हो तो एक्चुअली बहुत समस्याएं जो है वो हो सकती हैं उसकी हेल्थ पे। जितना ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे उतनी आयु घटेगी, स्वास्थ्य घटेगा और कमजोरी बढ़ेगी। बिल्कुल सेम चीज मैं बताता हूँ अपनी ऑडियंस को भी, वंस इन ए मंथ इफ यू आर मैरिड। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका जो आशीर्वाद है वो आपके शब्दों के रूप में आई थिंक हजारों लाखों युवाओं के करीब जाएगा, और निश्चित रूप से जो आज के युवा हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी विशेष उन्नति, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वेल्थ की हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, उसकी हो सकेगी। तो इसके साथ साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।